आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हमारा वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर, जहां आपकी और हमारी सेहत की बात होती है। मेरा नाम खुशबू कुमार है। हेलो डॉक्टर। तो जलती तपती गर्मी का मौसम आ गया है और इसी के साथ आ गई है एक नई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का नाम है बॉडी ओडर, यानी पसीने की बदबू। गर्मियाँ आते ही शरीर से पसीना इतना बहता है कि अब उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। मुसीबत लेकिन तब आती है जब पसीने से बदबू आने लगे, इतनी ज़्यादा कि इसकी वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस होने लगे। हर कोई इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है। गर्मी के महीने भर में जितना हम खाने पर खर्चा नहीं करते, उतना डिओड्रेंट परफ्यूम पर कर देते हैं। और ये हाल तब होता है जब हम रोज़ नहाते हैं। कई लोग तो दिन में दो बार भी नहाते हैं। नहाने के जस्ट बाद तो ठीक रहता है, लेकिन उसके थोड़े देर बाद ही वही ढाक के तीन पात, पाँच मिनट के अंदर पसीने की बदबू आना शुरू हो जाती है। वैसे ये समस्या तो साल भर रहती है, पर गर्मियाँ आते ही ये ज़्यादा बढ़ जाती है और कई लोगों को ज़्यादा ये समस्या होती है। तो इसकी वजह से वो किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने से कतराते हैं, परेशान रहते हैं। तो आज के हेलो डॉक्टर में हमने सोचा कि क्यों ना हम इस पर बात करें, और डॉक्टर से आज हम यही पूछेंगे कि कुछ लोगों के पसीने से इतनी स्ट्रांग बदबू क्यों आती है, साथ ही इसका इलाज क्या है। इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर फरहा इंगले जुड़ गई हैं। डॉक्टर फरहा फोर्टिस हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन की डायरेक्टर हैं। आपकी रोज़मर्रा की दिक्कतों का सारा समाधान इनके पास है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर फरहा इंगले आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। डॉक्टर फरहा, सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम पर ही बात करते हैं। गर्मी और तेज़ धूप में पसीना जो आना है वो नॉर्मल है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ये पसीना आखिर आता क्यों है, ताकि हम आगे की बातचीत कंटिन्यू कर पाएं। इससे पहले ये जो एक बेसिक सवाल है वो हम समझ लें कि पसीना आखिर आता क्यों है। हाँ, अभी कहता है हमारा शरीर कंटिन्यूसली चलते रहता है, वो एक मशीन की तरह है। अगर आप चलेंगे फिरेंगे एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बॉडी का या शरीर का बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, जिसके वजह से आपकी बॉडी गर्म होती है, और गर्म होने के बाद फिर पसीना आके बॉडी कूल डाउन होती है। तो ये एक बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है कि जब बॉडी आपकी गर्म होती है, चाहे आप वॉक करो या एक्सरसाइज करो, अगर एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं या धूप में निकलते हैं, तो बॉडी गर्म होके फिर अपना नेचुरल मैकेनिज्म है पसीना आके ठंडा होता है। ये बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म बोल के आप ले सकते हैं उसको। ठीक है डॉक्टर फरहा, लेकिन पसीने के साथ जो बॉडी ऑर्डर की समस्या आती है, खासकर गर्मियों के सीजन में साल भर ये समस्या रहती है, लेकिन बॉडी ऑर्डर जो है वो एक ऐसी समस्या है जिसके बाद आप शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं, क्योंकि कई लोगों में ये बहुत ज़्यादा भी होती है, बहुत तेज़ वो स्मेल करता है, तो इसके पीछे क्या वजह हैं? हाँ, अभी कैसा है कि एक्चुअली अगर वैसा देखा जाए तो पसीना यानी पानी जो शरीर के बाहर बहता है अपने शरीर के पोर्स के थ्रू स्किन में जो रहते हैं उसे पसीना कहते हैं। नॉर्मली पसीने में बोन नहीं रहना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि पसीने के साथ में बैक्टीरिया भी रहते हैं और वो बैक्टीरिया ब्रेक डाउन होते हैं। ब्रेक डाउन होने के वजह से पसीने में बो आती है। उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया के प्रोटीन्स रहते हैं, हमारे बॉडी से यूरिया एक्सक्रीट होता है, बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सक्रीट होते हैं, जैसे कि सोडियम है, नमक जो रहता है अपने ब्लड का वो भी बाहर एक्सक्रीट होता है स्वेटिंग में, तो अमोनिया है, प्रोटीन है, यूरिया है, नमक है, लैक्टिक एसिड है, और साथ में चीनी भी है। इन सब के रिएक्शन के वजह से और बैक्टीरिया के ब्रेक डाउन होने के वजह से पसीने में खराब बो आती है, ओडर आता है इन सब के कारण। और डॉक्टर फरहा, हमने कई बार सुना है जब आपको बहुत पसीना आ रहा हो तो लोग ये कहते हैं कि कुछ गड़बड़ है, मतलब ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पर मैं आपसे एक क्लैरिटी इस पर लेना चाहूँगी कि पसीने का आना सेहत के लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा है। नहीं, पसीना आना अच्छा होता है, कभी भी पसीना बिल्कुल ही नहीं आता है या बहुत ज्यादा आता है तो वो भी अच्छा नहीं रहता है। कोई भी चीज एक्सट्रीम में होती है तो वो अच्छी नहीं रहती है, लेकिन पसीना तो आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि बॉडी एक मशीन की तरह है, जब मशीन गर्म हो जाती है, जैसे कि आप अभी आपके
लैपटॉप या कंप्यूटर में अगर हीट हो जाती है, एकदम एग्जॉस्ट में कूलिंग करना पड़ता है ना, नहीं तो मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है. तो अगर पसीना नहीं आता है तो बॉडी कूल नहीं होंगी, तो उसके वजह से बहुत सारे आगे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो पसीना आना अच्छी बात है, बट बहुत ज्यादा पसीना या बिल्कुल नहीं आना भी अच्छी बात नहीं है, पर पसीना आना चाहिए, ठीक है. बिकॉज पसीने के जरिए शरीर में मौजूद टॉक्सिन जो रहते हैं वो अपने बाहर निकलते हैं, तो वो सेहत के लिए अच्छा है. अपने शरीर की गंदगी जो रहती है वो स्किन के द्वारा बाहर निकलती है, जर्म्स बाहर निकल जाते हैं और स्किन में भी हेल्दी फीलिंग आता है, मॉइस्चराइज रहता है स्किन. तो आना चाहिए पसीना, ठीक है, बट एक्सट्रीम्स नहीं होना चाहिए. जी, और हम अपने लेवल पर क्या गलतियां कर रहे होते हैं खाने की चीज़ों को लेकर, चाहे हमारे नहाने के तरीके को लेकर, ताकि मतलब जिसकी वजह से ये जो बॉडी ऑर्डर की समस्या है वो हर साल बनी रहती है और हर मतलब आप नहा लें इसके बाद ही ये समस्या दोबारा से शुरू हो जाती है. क्या गलतियां हम करते हैं और कैसे इसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, तो अगर आपका हाइजीन बराबर नहीं है, पर्सनल हाइजीन बराबर नहीं रहेगा, तो भी बैक्टीरिया शरीर पे जमा हो सकते हैं और उसका ब्रेक डाउन होने से बराबर ओडर या खराब स्मेल आ सकता है पसीने में. और जिसको बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है उनमें भी बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, उनमें भी ओडर आता है. फिर कुछ कुछ चीजें, कुछ फूड्स है, ड्रिंक्स है, बीवरेजेस है, और अगर कुछ चीज खाने की जैसे गार्लिक है, अनियन है, प्याज, गार्लिक यानी लहसुन, अल्कोहल और कुछ कुछ स्पाइसेस जिसमें ओडर रहता है, तो सिर्फ पसीने में नहीं, मुंह में से भी आपको स्मेल आती है. गार्लिक खाने के बाद, प्याज खाने के बाद आपको मुंह में से स्मेल आती है, वही स्मेल आपको स्वेट में भी आती है. फिर कुछ कुछ मेडिकल कंडीशंस भी रहते हैं, तो यानी अनयूजुअल और एक्सेसिवली स्ट्रॉन्ग ओडर रहता है, कोई दवाइयों के वजह से आता है, किडनी के प्रॉब्लम्स में आता है, डायबिटीज के प्रॉब्लम में आता है, लीवर के प्रॉब्लम्स में आ सकता है. तो इसलिए एक तो अपने आप को एकदम क्लीन हाइजेनिक रहना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए. अगर आप प्याज ले रहे हैं या गार्लिक लहसुन ले रहे हैं तो आप फिर ब्रश करो, गार्गल करो, नहीं तो उससे स्मेल आती है. बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये सब कंज्यूम नहीं करना अगर आपके स्मेल आती है आपके स्मेल में तो, और मुंह में से भी ओडर आता है, तो ये सब चीजें ज्यादा नहीं करना चाहिए कंज्यूम. इन सब की वजह से आता है. और फिर आप एंटी परस्पिरेंट भी यूज कर सकते हैं, रेगुलर वॉशिंग करना चाहिए एंटी बैक्टीरियल सोप से. एंटी परस्पिरेंट डिओडोरेंट रहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है तो. और क्लोथ भी जो आप यूज करते हैं, जैसे गर्मी के दिनों में ज्यादा पसीना आता है तो आप लूज क्लोथ कॉटन के यूज करना चाहिए, टाइट क्लोथ नहीं यूज करना चाहिए. कपड़े बदलना चाहिए, अगर पसीने से गीले हो गए तो आप बदलना चाहिए, नहीं तो फिर इन्फेक्शन होता है. तो ये सब चीजें इम्पोर्टेंट, हाइजीन बराबर रखो, स्पेशली जो एरियाज में स्वेट जमा होता है, जैसे स्किन पोल्स है, जैसा ब्रेस्ट के नीचे है, एक्जिला में बगल में है, या फिर थाइज में है, बीच में ग्रॉइंस में है, नीज के पीछे है, ये सब एरियाज में जहाँ पे पसीना जमा होता है ज्यादा क्वांटिटी में, उसे स्पेशली क्लीन रखना चाहिए. ये इम्पोर्टेंट है ये सब, नहीं तो फिर आपको इन्फेक्शन हो जाएगा उसके वजह से. जी, और किस एज ग्रुप को ये सबसे ज्यादा समस्या होती है बॉडी ऑर्डर को लेकर, एक खास ग्रुप जिनको थोड़ा खास ध्यान देने की जरूरत है? अभी यूजुअली एल्डरली 40 से 50 की उम्र की, अभी सर्दियों में भी उन लोगों में पसीना आ सकता है, अगर स्पेशली अगर आपके आपकी एज 40-50 है और आपको अगर डायबिटीज है या आप ओबेस है, वेट ज्यादा है, तो भी पसीना आ सकता है. और यूजुअली ये एज के पेशेंट्स में, ये उम्र के लोगों में दूसरे बीमारियां भी रहती है, जैसा मैंने आपको बताई है कि लीवर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों में ज्यादा पसीना आता है. यूजुअली ये बीमारियां सभी एज ग्रुप में होती है, तो इसलिए इनमें ज्यादा दिखाई देते हैं ये प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो ये तो आपने मतलब एक अंडरलाइंग कंडीशन भी बताई कि अगर आपको ज़्यादा पसीना आता है या ज़्यादा बॉडी ऑर्डर है तो ये भी समस्या हो सकती है, इसको भी चेकअप करवाना चाहिए. लेकिन हम मतलब इस पर ध्यान ना देकर जब ये समस्या होती है तो डिओड्रेंट से लेकर नहाने के साबुन और परफ्यूम वगैरह पर ज़्यादा खर्च कर देते हैं. तो अगर हम खर्च करते भी हैं फिर भी हम गलत ही चूज़ करते हैं, उसके बाद भी समस्या ये ख़त्म नहीं होती है. तो जब ये डिओड्रेंट, साबुन, पाउडर, क्या चॉइस होना चाहिए हमारा, किस तरह की चीज़ें हम लगा सकते हैं ताकि बॉडी ऑर्डर की जो समस्या है वो
हम उसे कम कर सकें? वो तो सिर्फ डिओडोरेंट तो एक पार्ट है मैनेजमेंट का। एक तो कैसे कि ऑयली स्पाइसी चीजें ना खाए, सलाद है फ्रूट्स है वो ज्यादा खाए, फिर खाना बराबर चूर के खाए तो उसमें से डाइजेशन बराबर होता है, और पानी ज्यादा पीना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, कपड़ों का मैंने आपको ऑलरेडी बताई हूँ ठीक है। और फिर दूसरे जो उपाय है डिओडोरेंट के अलावा भी दूसरे उपाय है, अभी बेकिंग सोडा जो रहता है ना हम लोग यूज करते हैं खाना में बहुत सारी चीजों में रेसिपीज में, तो कुनकुने पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाकर उसको 2 से 3 मिनट में हाथ में तलवों में अगर डुबा के रखेंगे, इसका इस घोल का इस्तेमाल करने से भी बहुत देर तक पसीना नहीं आता है। फिर अगर टी बैग जो रहते हैं आप एक बाउल में 4 से 5 मिनट तक वो बैग को पानी में डाल के गुनगुना पानी में उससे भी हाथ पैर धो सकते हैं। और फिर आपको आपके मेडिसिन बाकी के जो है मेडिकेशन टाइम पे लेंगे और अगर खान पान में सुधार रहेंगे तो उससे भी आप ध्यान रख सकते हैं, पसीना कम हो सकता है आपका। और फिर आता है डिओडोरेंट, अब जो डिओडोरेंट एंटी बैक्टीरियल सोप यूज कर सकते हैं आप जिसमें 99% बैक्टीरिया किल हो सकते हैं। जो मेडिकेटेड सोप है जैसा कि सैवलॉन है या डेट्रॉल है, फिर एंटी परस्पिरेंट्स आते हैं, डिओडोरेंट्स आते हैं मार्केट में, वो आप यूज कर सकते हैं। कोई भी अच्छे कंपनी के आप जो स्टैंडर्ड कंपनी के हैं वो यूज करेंगे तो आपको साइड इफेक्ट्स कम देंगे और उसका असर ज्यादा बेटर होगा। ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको ठीक है। और फिर भी नहीं होता है तो आपको मेडिकल एडवाइस भी लेना चाहिए कि कोई बीमारी के वजह से है जो कंट्रोल में नहीं है, ये सब घरेलू चीजें करने के बाद भी अगर नहीं कम हो रहा है तो मेडिकल कंडीशन जैसा मैंने आपको बताई है कि उसमें हो सकता है, तो फिर डॉक्टर की सलाह ले, इन्वेस्टिगेशन करवा के ले। और उसके अब एल्यूमिनियम कोटेड भी आते हैं जेल डिओडोरेंट, स्पेशली एल्यूमिनियम की मात्रा रहती है उसमें, तो उससे फिर पसीना कम होता है ना, वो एक बार आप सुबह और शाम लगाएंगे तो भी काफी हद तक पसीना कम होता है। एल्यूमिनियम बेस्ड डिओडोरेंट एंटी परस्पिरेंट जो मिलते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, तो आप सुबह में शाम में लगाएंगे तो काफी हद तक पसीना कम हो जाता है, लेकिन वो बहुत एक्सेसिव पसीना आ रहा है तो उसके लिए है। नॉर्मली जैसे मैंने बोला कि पसीना आना अच्छी बात है बट एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए, तो वो ऐसे डायरेक्टली मत यूज करना, डॉक्टर के सलाह के हिसाब से ही यूज करना है। और कई लोगों को हाथों में भी पसीना आता है बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कि वो अगर लिखना चाहें पेन कॉपी पर तो पेपर ही गीली हो जाती है, तो वैसे लोगों के लिए मतलब क्या आप उपाय देना चाहेंगी, कैसे इससे बचा जा सकता है? वही मैंने आपको बताई ना, पसीने में घरेलू उपाय जो है कि बेकिंग सोडा है, टी बैग है, वो आप पानी में गुनगुना पानी में डाल के सोक करके हाथ से मल सकते हैं तो उससे भी कम हो सकता है। अभी स्वेटिंग जो है वो तो मौसम के वजह से भी होता है, कुछ बीमारियों के वजह से एंग्जाइटी और टेंशन के वजह से भी हो सकता है, तो इसे लाइफस्टाइल चेंज करने का है। मैं उसके लिए अगर एंग्जाइटी के वजह से है, मानसिक कारण के वजह से है, तो फिर आप रिलैक्सेशन टेक्निक मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं तो उससे भी फर्क पड़ता है, लेकिन वो ये कि एक्सेस है नहीं ठीक हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले, और फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस के वजह से तो हम इन्वेस्टिगेट करके उसके हिसाब से दवाई दे सकते हैं, लेकिन हाइजीन का ध्यान, वाटर इनटेक का ध्यान, खाने पीने में सही खाना खाए, सब्जी हरी सब्जी फ्रूट ज्यादा यूज करे, ऑयली फूड स्पाइसी फूड ज्यादा न ले, ये सब छोटे छोटे चीजों से भी बहुत फर्क पड़ता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फराह इंगले हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये जो आपने पसीने की बदबू की बचने से जो टिप्स सुने हैं डॉक्टर साहिबा से, उसे आप जरूर ट्राई करें, फर्क देखने को मिलेगा। पर हाँ, अगर आपके पसीने की बदबू बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के कारण है तो जरूरी है कि आप डॉक्टर से मिलें, इस पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है, ना कि इस पर कि आप डिओडोरेंट परफ्यूम और साबुन पर बिना सोचे समझे खर्च करते रहें। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आज का एपिसोड स्पेशली कैसा लगा, आप हमें लिखकर बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। आपसे फिर अगले हफ्ते मंगलवार को होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। धरती चौकोर नहीं गोल है, बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है, ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए।
हर वेंसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट विंक म्यूजिक स्पॉटिफाई जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।